खबर थोड़े नाल सांझी करनी है। 21 साल का मुंडा सब इंस्पैक्टर की वर्दी पा के सड़क के किनारे शरेआम लोगों के चलान कटता पिया सीगा। ये लड़का जिहड़ा है ये अपने घरे नहीं दसदा सीगा मैं ये काम करता फिर रहा। वो जदों सानू खबर आई तो असीं इमीडिएटली अपनी टीम एक्टिवेट की। कॉन्सटेबल ने उन्हूं पूरा प्लैन समझाया फिर उसने जिवें पैसे दिए उन्हें सानू इशारा करता असीं उत्थे मौके ते आ के उन्हूं काबू कर लिया। जिले की पुलिस से भी नाल संपर्क किया भी इस तरह का कोई साढ़े को मुलाजम है या नहीं है। फिर मैं इन अपॉइंटमेंट लैटर वगैरह बारे जो भी साड़ी इंटरनल गल आदि बारे पूछा जिस से घबरा गया से फिर इन्हें एडमिट कर लिया जी नहीं मैं पंजाब पुलिस का मैं ऑफिसर नहीं हाँ। ये दलेरी ये बेशर्मी ये आई कि इन्वेस्टिगेशन तो की होनी है जो ये दसदा सानू भी मेरे फादर के जी चंगे रिलेशनस ने पॉलिटिशियंस ना उन्होंने मैं भर्ती कराई लेना सी मैं शौक से तो मैं क्या दो तीन महीने बाद तो मैं भर्ती होना ही है क्यों ना हूँ भर्ती पा गया फिर देखो ये जी असी सैक्शनस लगाई ने वो 170 171 384 419 आई पी सी ये सिर्फ एक 419 है जी नॉन बेले जो जो जी बेलेबल है बाकी तिने ही तिने साड़ी नॉन बेलेबल ऑफेंसिज बनते हैं। खबरां दे शोर दे विच कुछ अहम खबरां अक्सर गवाच जांदियां ने। खबर तुहाडे नाल सांझी करनी है 21 साल का मुंडा सब इंस्पैक्टर की वर्दी पा के सड़क के किनारे शरेआम लोगों के चलान कटता पिया सीगा ते वो पैसे उसकी जेब दे विच जा रहे सीगे। नाम है अविनाश कुमार ते जिन्होंने एक केस क्रैक किया सौरभ सब्बरवाल मेरे नाल ने स्वागत है सर स्पोक्समैन तुहाडा। थैंक यू सर। ये जिहड़ा मुंडा तुसी फड़िया 21 सालों का सब इंस्पैक्टर की वर्दी पा के गड्डी ला के दारा स्टूडियो के कोल लगातार चलान कटता पिया सीगा लोगों के ये दलेरी ये बेशर्मी इनू किस तरह का मैं नाम दवा मैनू भी नहीं पता ये आई किदा तुसी इन्वेस्टिगेशन तो की होनी है की पहली इन्वेस्टिगेशन च सामने आया। देखो इनिशियली जो सानू एक सीक्रेट इनफॉरमेशन सी कि एक बंदा जिहड़ा सब इंस्पैक्टर की वर्दी पा के पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर की वर्दी पा के लोगों के चलान कट रहा तो चलान कट रहा तो लोगों तो पैसे ले रहा उसके बदले तो वह जो सानू खबर आई तो असी इमीडिएटली अपनी टीम एक्टिवेट की। मैं अपने पूरे प्लैनिंग नाल अपने जिहड़े एक कॉन्सटेबल ने उन्हें पूरा प्लैन समझाया भी एक 500 रुपये का नोट वो कोल फड़ाता तो उन्होंने सिविल करवाती भी तुम जाओ जे वो तुम्हें रोकता है तो उस टाइम सानू इशारा कर दौ पिछों तो असी आगे उन्होंने फड़ लाँगे होया भी इस तरह वो बंदे ने उन्होंने हाथ दिता तो वह उन्होंने कहन लग गया भी मैं तेरा चलान कटाँगा नहीं बदले जो मैं 500 दे तो उसने जिवें पैसे दिए उन्हें सानू इशारा करता असी उत्ते मौके से पिछे थोड़ी खड़े सीगे तो असी मौके से आके उन्होंने काबू कर लिया फिर उन्होंने फड़ के लिया तो मुकदमा दर्ज करता। ये सारी कहानी जो असी बाहरों वेखते हैं सानू तो फिल्मी जापती है ये वाकई हकीकत दे विच जो कुछ होया तुसी जो ये गलबात की है तो इन्हें दसिया कि घरे की कहता सीगा क्योंकि इतों का रहने वाला तो है नहीं गा ये घरद्या पता इस चीज़ बारे कि ये मुंडा करता कि साडा बाहर जाके जे घरे पैसे भेजदा है तो वह सोर्स ऑफ इनकम हैगा की है। देखो जो हल तक सानू पता लग्या जी हम पुछगिछ साढ़े को दो दिन का यदा रिमांड है जिनी हले असी पुछगिछ की है वो सानू ये गल पता लगी है कि ये घरद्या हले वेरीफाई करना साडा बाकी है। ये लड़का जिहड़ा है ये अपने घरे नहीं दसदा सीगा मैं ये काम करता फिर रहा तो बाकी ये मोबाइल ये CDR ये सारा कुछ अभी हले वो सारा कुछ पड़ताल वो करनी है जे वो कुछ आया सामने भी ये घर के इनवॉल्व ने या कोई होर भी ये इनवॉल्व है बनती कार्रवाई असं अमल में लियावे जी। ये पढ़िया लिखिया चोर है जी ये पढ़िया लिखिया डिफॉल्टर बंदा इन्हें पढ़ाई की जानने की कोशिश की कि पढ़िया है ये हले साढ़े को क्रेडेंशियल जोड़े सर्टिफिकेट्स ने साढ़े को नहीं है लेकिन यह दसदा कि मैं ग्रेजुएट हाँ मैं BA की हुई है तो मास्टर का एक साल कंप्लीट किया तो सैकेंड ईयर मैं ड्रॉप आउट हाँ ये प्रॉपर जो अभी पेपर वगैरह अं चैक करा उदो अं मतलब दसन योग होवे भी हाँ जी ये गल ऑथेंटिकेटेड है कि यह बंदा पढ़िया लिखा किन्ना क्या या बिल्कुल भी नहीं है या है जदों ने यह चीज़ अपनी कबूली कि ये चलो थानू तो पता लग गया कि ये किसी भी तरह मुलाजम नहीं है लेकिन जदों इन्हें इस चीज़ को कबूलिया तो कबूलिया किस तरीके दे नाल फस्ट जो यदा हाव भाव सगा जो रिएक्शन से किस तरीके से जो तुम इनू फड़िया।
देखो जदों इनू असी काबू किया इन्हें थोड़ा जहा कंटेस्ट तो किया सा को भी तुम क्यों फड़ रहे हो मैं जो ये उस टाइम मौके पर पूछगिछ की कुछ मैं इस तो आइडेंटी कार्ड मंगया जो ये को उस टाइम नहीं मौजूद नहीं सी ते फिर मैं इनू ये अपॉइंटमेंट लैटर वगैरह बारे जो भी साड़ी इंटरनल गल आदि बारे पूछा जिस से घबरा गया तो वो सू क्लीयर हो गया भी ये है नहीं मोर ओवर उस तो बाद मैं थोड़ा जहा अपने जिले की पुलिस से भी नाल संपर्क किया भी इस तरह का कोई साढ़े को मुलाजम है या नहीं है तो उधरों भी सानू ये मैसेज आया भी इस नाम का साढ़े कोई है नहीं तो फिर उतो असी श्योर हो गए थी फिर थोड़ा जहाँ पूछ ही लिया भी तुम जो इस पंजाब पुलिस का भाग हो या नहीं हो फिर इन्हें एडमिट कर लिया जी नहीं मैं पंजाब पुलिस का मैं ऑफिसर नहीं हाँ फिर उस तो बाद लिया के मुकदमा दर्ज किया। अच्छा इनिशियल मिली जानकारी देखे कोई आई कार्ड नहीं कोई अपॉइंटमेंट लैटर कुछ नहीं सरकारी पर जिहड़ी ये वर्दी सवाउंदा पिया सीगा वो सब चीज़ां जिहड़ियां हैगियां तुसीं इहदे कोलों जानण की कोशिश की किवें करदा सीगा ये जाके सामने दर्जी नूं की कहिंदा सीगा जी मैं पुलिस दे विच आ जां मैं पंजाब पुलिस दे विच लगा होया तुसीं जानण की कोशिश की इहदे कोलों? बिल्कुल ये जदों इहदे नाल पुछगिछ की जो हुण तक पुछगिछ की है कपड़ा किसी एक पासे किसी होर दुकान तों लिया आ कपड़े की कोई भी दुकान तो आम तुहानूं मिल जांदा कपड़ा कोई भी लैके आ सकदा किसी दर्जी कोल चला जांदा सी मेरी आ वर्दी मेरी सी दो जी वो अगे हूँ उन्होंने दर्जी में वापस असी वेरीफाई करना भी तुम इस तो कोई डॉक्यूमेंट लिया कोई लैटर लिया भी ये जानने की कोशिश उन्हें की कि ये वाकई पंजाब पुलिस का ऑफिसर है या नहीं। अच्छा कानूनन ये चीज़ होंगी है जरूरी होंगी है जितों वर्दी सवानी होंगी है उन्हों की कोई रिस्पोंसिबिलिटी बनी होंगी है उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी तय करनी जरूरी होंगी है किसी तरीके ना सर एटलीस्ट जो कोई दर्जी है कर रहा है तो उन्होंने पता होना चाहिए भी मैं सामने जिन्हों वर्दी सी के दे रहे हैं कि वह वाकई पुलिस ऑफिसर है या नहीं है ये तो मॉरल बाउंडेशन भी है एक भी हाँ जी मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है एटलीस्ट मैं वह आई कार्ड वगैरह चैक करा भी ये वाकई है या नहीं है। तुसीं इन्हें इहदे कोलों यह जानने की कोशिश की क्योंकि ये काम करन दे लई तो बड़ी दलेरी ते नाल नाल बेशर्मी भी चाहिदी हुंदी है बड़ा जुरत वाला काम करता पिया सीगा कि शरेआम इतों तुहाड़ी चौंकी तो दारा स्टूडियो का जिहड़ा डिस्टेंस है कुछ मीटर की दूरी ते हैगा तुसीं इन्हां कोल जानण की कोशिश की कि तेरे कोल ये आइडिया आया कितों ये बीज जिहड़ा सीगा फुटिया कितों तेरे दिमाग दे विच कि तू कह जी मैं वर्दी पा के लोगों के चलान करांगा तो पैसे कमावांगा? देखो जिवें असी इहनूं पुछ गिछ हुण तक दी जिहड़ी पुछ पड़ताल असी कीती है उहदे च इह कहिंदा सी कहिंदा वी मेरा शौंक सीगा जी पंजाब पुलिस दा इक ऑफिसर बनण दी मेरी ख्वाहिश सीगी कुछ ये कहिंदा जो ये दसदा सानू भी मेरे फादर दे जी चंगे रिलेशनस ने पोलीटिशनस नाल जो ये दस रहे हाले वो वेरीफाई करना साडा हाले बाकी आ कि इहनां नाल जी मेरे फादर दे चंगे रिलेशन ने आने वाले दो तीन महीनों उन्होंने मैं भर्ती कराई लेना सी ते मैनूं शौक सी तो मैं क्या दो तीन महीने बाद तो मैं भर्ती होना ही है क्यों ना हुणे वर्दी पा के फिरा तो कुछ मैलीफाइड भी इस तरह है ना क्योंकि सानू कितों ना कितों ये गल समझ साडे सामने आ रही है कि कई लोगों तो इन्हें राजीनामे कराने लई मैं राजीनामा करा दाँगा फलाना सिंह मेरा कोई जानकार है मैं आप तुहाडे नाल जाके करा दाँगा तो शायद इन्हें उधरों पैसे खाधे भी हैं लेकिन असी वो वेरीफाई करांगे उस तो बाद ही ऑथेंटिकेटेड कोई स्टेटमेंट देवांगे जो हले प्राइम है सही जिवें तुसीं पुछ रहे हो मैं तुहानूं उन्ना के दस रहा भी हाँ जी ये चीज़ां भी मतलब हो सकदियां ने। तुसीं इहदे कोलों यह जानने की कोशिश की तू किन्ने लंबे समय तो यह बंदा इस तरीके नाल करदा पिया सीगा ते किन्ने क पैसे बटोर चुकिया लोकां दे कोलों? देखो ये जो हल तक इन्हें दसिया सानू भी ये कह रहा भी मैं दो तीन महीने तो पहला ये काम शुरू किया कुछ एक गल कहिंदा कि हाँ मैं थाने दे विच जांदा सी थाने दे विच किसी ऑफिसर नू जाके मिल लैंदा सीगा ते रिगार्डिंग पैसे भी इन्हें हुण तक किन्ने पैसे हैं वो असी हले वेरीफाई करना इस तो बाकी करने वाले। इंडियन पिनल कोड 1860 दियां 170 171 होर भी कई धारावां लगियां ने ये बेलेबल ने नॉन बेलेबल ने ते अगे दा की प्रोसीजर रहेगा क्योंकि तुसी हले इहनूं पेश भी करना है? देखो ये जिहड़ी असी सैक्शनस लगाईआं ने वो 170 171 384 419 आई पी सी ये सिर्फ एक 419 है जिहड़ी नॉन बेलेबल जो जो जिहड़ी बेलेबल है बाकी तिने ही तिने साडी नॉन बेलेबल ऑफेंसे ते बनदे आ जी मुड़ के हुण जो अगे है जिस जिस तरह साडी पड़ताल अगे जाई जाऊगी वो असी मानयोग अदालत दे अगे पेश करी जावांगे जदों इहनूं पेश करन जावांगे असी अपने फैक्ट्स ते अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करके लेके जावांगे ते जो अगे बनदी कारवाई होगी वो असी अमल विच लियावांगे जी। इहदे परिवार दे विच होर मैंबर किहड़े किहड़े ने तुसीं पुछिआ इहदे कोलों? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਸਾਈਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
सो दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच के आधार पर सच्ची कहानी है जो क्रैक की है सौरभ सभरवाल होर ने। 21 साल का मुंडा, उसके दिमाग में की होया, उन्हें किहड़ा रस्ता चुनिया, वर्दी पाली, ख्वाब देखता सीगा पंजाब पुलिस भर्ती होने दे, लेकिन समय तो पहला बिना सबर किते वर्दी चढ़ा के नाके ला के लोगों के चलान कटदा पिया सीगा, लेकिन छेती किते फड़िया नहीं गया। जो फड़िया गया तो सच सामने आ गया। कहानी दिलचस्प है, लेकिन बग्गे दे शोर दे विच एक कहानी किते लुक गई सी। कैमरे के साथ दे रहे सुखविंदर, मैं लंकेश त्रिखर जाना स्पोक्समैन दे लई।